और शाह महमूद कुरैशी साहब को आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से वो सऊदी अम्बेसडर के सामने बैठे थे। कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज है, उसमें जो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी अम्बेसडर के मुंह की तरफ है, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है, ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। और पता नहीं क्यों वो उसको अपने जूते का नंबर दिखाना चाह रहे थे। हो सकता है कि सऊदी अरब में जूते बड़े अच्छे बनते हो, तो शाह साहब ने सोचा हो कि मेरे जूते का नंबर देख लेगा तो शायद कोई गिफ्ट ही भेज दे, इसलिए सऊदी सुना गिफ्ट बहुत देते हैं। सऊदी अम्बेसडर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं। लेकिन सुनने में आया है कि जी सऊदी वाले बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये क्या बात है कि हमें जूते दिखाए जा रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पर भी सऊदी अरब की तरफ से कई तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उनके लोगों की कई तरह की पोस्ट और ट्वीट्स आई हैं जिसमें उन्होंने जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। तो अगर उन्होंने पैसे मांग लिए तो फिर बात तो वही हो जाएगी ना कि वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो फिर ये कि वो निचोड़ ही देंगे वैसे हमें अगर सऊदी को गुस्सा आ गया। लेकिन मदीना की रियासत एक बहुत बड़ी गरीब तरीन रियासतों में से एक थी। रियासत मदीना जो है वो गुर्बत, बदहाली और मुफलसी की जिंदगी पे चल रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब को आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से वो सऊदी अम्बेसडर के सामने बैठे थे, और पता नहीं क्यों वो उसको अपने जूते का नंबर दिखाना चाह रहे थे। हो सकता है कि सऊदी अरब में जूते बड़े अच्छे बनते हो, तो शाह साहब ने सोचा हो कि मेरे जूते का नंबर देख लेगा तो शायद कोई गिफ्ट ही भेज दे, इसलिए सऊदी सुना गिफ्ट बहुत देते हैं। खान साहब को भी उन्होंने काफी गोल्ड शोल्ड दिया था, जो मैंने सुना है खान साहब पी गए और वापस नहीं कर रहे। अब उन्हें भी कहा जा रहा है कि खान साहब या तो आप गोल्ड वापस कर दीजिए या फिर जो भी उसकी प्राइस है वो आप खजाने में जमा कराते हैं, वो भी नहीं कर रहे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर रहे थे, तो बिल्कुल जी शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो सऊदी एम्बेसडर के साथ ऐसे बैठे थे। लेकिन सुनने में आया है कि जी सऊदी वाले बड़े नाराज हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये क्या बात है कि हमें जूते दिखाए जा रहे हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया पर भी सऊदी अरब की तरफ से कई तरह की स्टेटमेंट्स चल रही हैं, उनके लोगों की कई तरह की पोस्ट और ट्वीट्स आई हैं जिसमें उन्होंने जो है वो नाराजगी का इजहार किया है। लेकिन अब देखते हैं इस चीज को कैसे संभाला जाता है, इसलिए कि ऐसा ना हो ना कि सऊदी पैसे वापस मांग बैठे आप। तो अगर उन्होंने पैसे मांग लिए तो फिर बात तो वही हो जाएगी ना कि वो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसे ही बोलते हैं ना, तो फिर ये कि वो निचोड़ ही देंगे वैसे हमें अगर सऊदी को गुस्सा आ गया। शाह साहब को आइंदा ख्याल रखना चाहिए, इसलिए कि शाह साहब जिनसे हम पैसे लेते हैं ना उनको हमें जूते नहीं दिखाने चाहिए। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि सऊदी अम्बेसडर साहब के साथ पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस में बैठे हुए हैं, ये जो तस्वीर है इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी ट्रैवल कर रही है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। की वजह यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का जो बैठने का अंदाज है, उसमें जो उन्होंने टांग पे टांग रखी हुई है, इसमें वो जो जूता है वो सऊदी अम्बेसडर के मुंह की तरफ है, जिसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। मैं सोशल मीडिया पे देख लें या वैसे देख लें, इसकी जो क्रिटिसिज्म है वो तो टेक्निकली बनती है, वो क्यों कि रिस्पेक्ट देनी होती है, सफीर हो, सफारतकार हो, कोई भी गैर मुल्की कोई भी हो आपके मुल्क में आया उसको रिस्पेक्ट करें, तभी वो आपके मुल्कों में आते हैं। अब थोड़े दिन पहले ओआईसी पाकिस्तान का जो ओआईसी के जो फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान आए थे वो सऊदी अरब की वजह से आए थे, तो अगर ठीक है पोस्ट ओआईसी कॉन्फ्रेंस आप अपने सऊदी फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया या वो आए मिलने, कोई भी दो सूरत हो सकती है, तो आप उनको इस तरह तजहीक वाले अंदाज से मिलेंगे तो क्या इंप्रेशन जाएगा। और दूसरा यह है कि मैंने आई स्पोक टू समवन फ्रेंकली स्पीकिंग इन फॉरेन ऑफिस, ये क्यों इस तरह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दिस इज शेमफुल, पहली बात है ये इल मैनर्ड है और शेमफुल है। फिर मैंने दोस्तों और अपने सहाफियों से दोस्तों से चेक किया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इस तरह क्यों बैठे हैं, उन्होंने कहा लगता ये है कि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं है कि ये उन जाने में नहीं है। और दूसरा बात यह है अगर ये तस्वीर नॉर्मली खींच भी ली उन्होंने, ठीक है जी, तो उन्होंने ये तस्वीर मीडिया को क्यों रिलीज की, ये भी एक सवाल कि क्या अगर चलो तस्वीर बन गई इस तरह, या फॉरेन मिनिस्टर अनअवेयर था, उनको अंदाजा नहीं था, वो बस अपने अंदाज में बैठ गए कहीं। पहली बात तो यह सऊदी अम्बेसडर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांट्स अरेंज कराते हैं, बेचारा पाकिस्तान के लिए एड शेड भी बड़ी तैयार करके रखते हैं, तो आप ये क्यों कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि ये एक डेलिबरेट मूव थी, दैट वॉज नॉट ये ऑन पर्पज उन्होंने किया। शाह महमूद कुरैशी
इज वेरी मेच्योर, उनको अपने पत्ते बड़े अच्छे खेलने आते हैं, वो हमेशा पावर में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लग ये रहा है कि वो कोई अपनी पर्सनल ईगो सेटल कर रहे थे। आपको याद है कि जब पाकिस्तान बार बार कहता था अमरीका सऊदियों से कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाएं कश्मीर के ऊपर, भारत ने इतनी कश्मीर में तब्दीलियां की हैं, तो मीडिया पे आगे एयरवे चैनल पे शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कह दिया कि जी अगर हमारी बात ना सुनी गई तो हम फिर और चैनल पे जाएंगे। फिर वो मामलात खराब हुए और फिर एक सुबकी आई वजीर आजम की तरफ से। सो ये जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की जो वायलेशन की है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, इस पे मीडिया में बड़ा शोर मचा। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें जो आइडिया ऑफ मदीना की रियासत का जो आइडिया है वो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम ये कहें कि हमने पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाना है। तो इमरान खान साहब ये क्या क्यों इस ये बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे, जबकि कभी पाकिस्तान में कभी किसी सियासत मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने इस तरह की बात नहीं की? और क्या वो इंडिया के मुकाबले में ये बात कर रहे थे कि हम इंडिया जो है वो शायद एशियन टाइगर है, या वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कह रहे थे? इमरान खान साहब पे अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो यू टर्न लेते हैं जिसमें मैं उससे मुतफिक नहीं होता। अब ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना, इसमें मकासद बदल गए, लिहाजा ये पहली दफा आप कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है, जो उनपे पहले इल्जाम था, लेकिन ये अब मैं इसको मानता हूँ कि ये जो हरकत है उनकी, और इसकी जो दो तीन आपने वजूहत बयान की, इसको मैं नेट शेल में अगर कहूँ अवाम के लिए, तो इमरान खान साहब ने आपको ये पैगाम दे दिया है कि इस मुल्क का मकदर जो है गुर्बत है और वो मैं नहीं बदल सकता। मदीना की रियासत में जितनी खूबियां थी वो अखलाकी थी, लेकिन मदीना की रियासत एक बहुत बड़ी गरीब तरीन रियासतों में से एक थी, जिस पे आप अपने खलीफा से ये पूछे तुमने कुर्ता कहाँ से लिया, उसकी इमारत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ये एक मिसाल है, लेकिन वहां पे क्या था, कोई सड़कें थी, कोई पानी था, कोई बिजली थी, कोई ऐसी फैसिलिटी थी जिनकी हम लोग भाग दौड़ में, जो इमरान खान जो नारे दे के आए वो कोई अखलाकियात हमारी दुरुस्त करने के लिए तो नहीं आए थे ना। अखलाकियात उनका एजेंडा नहीं था, उनका एजेंडा था माशी, और माशी एजेंडे में जब वो रियासत मदीना ले आए तो उसकी रेलिवेंसी कितनी थी, वो सिर्फ इतनी थी कि ये करप्शन से पाक एक सोसाइटी होगी। आप उसको प्लान करके रियासत मदीना की तरफ नहीं ले जा सकते, आप आवाम को पीछे ले जाके गुर्बत और बदहाली और मुफलसी की जिंदगी में नहीं डाल सकते। रियासत मदीना जो है वो गुर्बत बदहाली और मुफलसी की जिंदगी पे चल रही थी, तो इसलिए ये आप याद रखें कि अब इन्होंने जहनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं, अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम अज कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो इमरान खान साहब की रवायती असासे कमतरी है वो बोलती और झलकती हुई मुझे नजर आती है। इस तरह ये चीजें जो हैं, अब इमरान खान साहब को जब ये नजर आया कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं और हम ना इंडिया की तरह तरक्की कर सकते हैं, ना बांग्लादेश की तरह इतने तेज रफ्तार किस्म के मौजे दिखा सकते हैं, तो इसलिए अब हम लोगों को जरा ईमान का दस देते हैं।